मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी आर्मी को सौंपने का कड़ा विरोध हो रहा है। 29 सितंबर को मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर हुए हादसे के बाद से ये ब्रिज सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन इसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी जब आर्मी को दी गई तो पूरे देश में इसकी आलोचना होने लगी। आर्मी जनवरी तक यहाँ 3 पुलों का निर्माण करेगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे आर्मी के सम्मान से परे बताया। आर्मी के रिटायर्ड अफसर भी इसे ठीक परंपरा नहीं मानते। मेरे ख्याल से ये जो फौज को काम दे दिया जा रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि फौज का मेन मकसद है देश की रक्षा करना, और पीस टाइम में फौज इसी काम के लिए अपने आप को तैयार रखती है। फौज ये काम अच्छे से कर सकती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन अगर ऐसे कामों में फौज को लगाया जाएगा तो अपने मकसद में वो पूरा नहीं पाएगी। गौरतलब है कि भारतीय सेना को अब तक के इतिहास में पहली बार रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले आपातकालीन परिस्थितियों में ही सेना को देश के आम नागरिकों से जुड़े कामों में मदद के लिए बुलाया गया है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान फुट ओवर ब्रिज टूटने पर उसके लिए सेना की मदद ली गई थी, और दिल्ली में यमुना किनारे हुए आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम के लिए पुल बनाने के काम में भी सेना का इस्तेमाल किया गया था। तब भी विपक्ष ने सरकार की इसके लिए आलोचना की थी। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।